ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ऑनलाइन प्रैक्टिकल टेस्ट में हम देने वाले हैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो गाइस बताना 50 में से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हो, आप अपने स्कोर कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप चाहते हो आपको इसी तरीके से डेली ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो, जीके रीजनिंग की वीडियो मिलती रहे, तो आपको नीचे रेड कलर का बटन दबाकर बेल आइकन को ऑन कर लेना है, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हर्ब के रूप में विकसित करने का निर्माण किया है या लिया है? इसमें आपका आंसर है ए, यानी कि हरियाणा। हरियाणा हरियाणा राज्य सरकार ने पीपली को पर्यटन हर्ब के रूप में विकसित करने का निर्माण लिया है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? इसमें आपका आंसर है जापान, यानी कि जापान हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में देश के शीर्ष पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपका आंसर है 12 जनवरी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आयोग मेले का उद्घाटन किया है? इसमें आपका आंसर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने आयोग मेले का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश किसे चुना गया है? इसमें आपका आंसर है बांग्लादेश, बांग्लादेश को 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थीलियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? थीलियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? इसमें आपका आंसर है ए, यानी कि कर्नाटक, कर्नाटक थीलियम भंडार की खोज किस राज्य में की है? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने COVID-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? इसमें आपका आंसर है मलेशिया, मलेशिया देश ने COVID-19 प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए आपातकाल की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने मनोरंजन कर को माफ करने का फैसला किया है? इसमें आपका आंसर है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुर्लपति कुटुंबा राव का निधन हुआ वह कौन थे? इसमें आपका आंसर है पत्रकार, पत्रकार तुर्लपति कुटुंबा राव का निधन हुआ था और वह पत्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में भारत का पहला फायर पार्क स्थापित किया गया है? इसमें आपका आंसर है ओडिशा, ओडिशा में फायर पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? क्वेश्चन है आपका, चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया है? इसमें आपका आंसर है मणिपुर, मणिपुर में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल राज्य आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बंगरसा प्राप्त बनाने का निर्माण लिया गया है या लिया है? इसमें आपका आंसर है गुजरात, गुजरात ने राज्य में अमरेली जिले में एक नया बंगरसा प्राप्त बनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिंद सागर सफाई परियोजना का शुभारंभ कहाँ हुआ है? ओडिशा में। इसमें आपका आंसर है ओडिशा में, ओडिशा में बिंद सागर सफाई का परियोजना का शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण किस नगर निगम ने थेला बैंक की है? इसमें आपका आंसर है लखनऊ, लखनऊ ने शहर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के कारण नगर निगम ने थेला बैंक शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है? इसमें आपका आंसर है केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार ने अपने संविधान को जानो नामक पहल शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने भारत के कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है, ऋण देने की घोषणा की है? इसमें आपका आंसर है जापान, जापान ने भारत देश को कोविड, भारत देश ने कोविड राहत प्रयासों के लिए 2113 करोड़ रुपए ऋण देने की घोषणा की है या ऋण देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने
क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने क्रेमब्रिज विश्वविद्यालय के साथ शिक्षकों की अंग्रेजी भाषा की दशमता सुधारने के लिए समझौता किया है? इसमें आपका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विद्यार्थियों की दशमता सुधारने के लिए प्रयास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस आईटी कंपनी ने क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? इसमें आपका आंसर है वीपो। वीपो ने आईटी कंपनी के क्वांट कंप्यूटिंग में अनुसंधान के लिए तेल अवीव विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सरकार ने कोंकणी अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है, यह किस राज्य की राजकीय भाषा है? इसमें आपका आंसर है गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक नए मुख्य न्यायालय न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसमें आपका आंसर है ए सुधांशु धूलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा शुरू की है? इसमें आपका आंसर है असम ने। असम ने राज्य के मुख्यमंत्री ने भ्रमण सारथी योजना के तहत महिलाओं और बुजुर्गों के लिए मुफ्त बस सेवा योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथोपी के द्वारा जारी सबसे बड़े दान की वार्षिक सूची में कौन सा शीर्ष पर रहा है? इसमें आपका आंसर है जेफ बेजोस मतलब रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस कंपनी ने जावेडकर अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो ब्राइन ने अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया है? इसमें आपका आंसर है मेरिक गारलैंड ने आपका आंसर है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट अंडर योर नोस नामक उपन्यास किसने लिखा है? राइड अंडर योवर नोइस नामक उपन्यास किसने लिखा है? इसमें आपका आंसर है आर गिरिधर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी कौन बने? इसमें आपका आंसर है डॉक्टर राज अयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है? बंधन बैंक ने भारतीय सेना के साथ समझौता किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू किया? इसमें आपका आंसर है कर्नाटक ने राज्य के मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सांख्यिकी कार्यालय ने चालू वित्त वर्ष में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? इसमें आपका आंसर है 7.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक नुकसान किस देश को हुआ है? इसमें आपका आंसर है भारत को इंटरनेट शटडाउन से दुनिया में सबसे अधिक ज्यादा नुकसान हुआ है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, किस राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है? पंजाब में। आपका आंसर इसमें पंजाब राज्य में ई दाखिल पोर्टल शुरू किया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मरने वाली मिसाइलें रक्षा प्रणाली की सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? इसमें आपका आंसर है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें, किस देश ने टेनिस खिलाड़ी अगमारा बास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया है? इसमें आपका आंसर है स्लोवाकिया को। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।